गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई होप आप सारे अच्छे हो गए। देखो सुबह सुबह कौन है, ठंड लग रही है भाई साहब को। अपने घर पे मैं शॉट नहीं ले सकता था, क्यों? क्योंकि सब सो रहे थे और आवाज़ आती है बहुत सारी। सो सीन ये है, मैं जा रहा हूँ 24 आवर्स 3 स्टेट्स विच इज़ द गोल्डन ट्राइंगल यू गाइस। और रात को पता चला था कि मेरे मेमोरी कार्ड में स्टोरेज नहीं है, इस वजह से मैं घर पे कुछ शूट ही नहीं कर पाया हूँ। सो अब समीर के घर आया था मेमोरी कार्ड और लाइट लेने। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मैं जाऊँगा सैम कर। अब यहाँ से निकल रहे हैं, यह जगह सैम सीटर के पास। वो अपनी सैम एसएससी करा रहा है। एक्चुअली वो आ रहा है, वो इधर क्यों आ रहा है, वो ना सोच रहा था घर से पेट्रोल भरवा लेगा पास से। मैंने उसको बोला 12 रुपये का फ़र्क है दिल्ली और गुड़गांव के पेट्रोल प्राइसेस में। कहता बस मैं यहीं से भरवाऊँगा, कह रहा रोज़ आके यहीं से भरवाऊँगा। मैंने कहा तेरे से बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं होगा। तो वहाँ उसको कहाँ मिल रहे हैं, NH 8 पे मिल रहे हैं, राजीव चौक पे। यहाँ से सीधा निकलता हूँ, सारी इक्विपमेंट्स हो गई हैं पूरी। आज फॉर ए चेंज कोई बैकपैक नहीं है, एकदम खाली जा रहा हूँ, बट खाली हाथ नहीं लौटूंगा, कुछ ढेर सारी मेमोरीज कलेक्ट करके लौटेंगे। तो सीन ये है, यहाँ से सीधा जा रहे हैं जयपुर, जयपुर से जाएंगे आगरा, और आगरा से वापस आएंगे हम गुड़गांव, और सैम सिटी आ जाएगा बैक टू दिल्ली। सो देखते हैं, आपको लेके चलते हैं राइट पे और बताते हैं कैसी रहती है हमारी आगे की जर्नी। चल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ब्रो, कलेक्ट लॉट ऑफ मेमोरीज, थैंक यू, ट्राई टू टेक सम रेस्ट 24 आवर्स इन दिस वन। बट गोल्डन ट्रायंगल जो तुम कह रहे हो, जिंदगी में कभी किसी को नींद ना आए ना, ये बहुत बढ़िया इंसान है। आपकी नींद को ना मतलब ऐसे लगा चुटकियों में। तो भाई बात ऐसी है, मैं हूँ NH 8 पे एग्जिट 11 और लेफ्ट साइड में वेट कर रहा है मेरा मस्किटियर सैम सेठिया, और ये खड़ा मज़े ले रहा था इससे। पहुंच गया। क्या हाल है ब्रो मनन? तो भाई अब यहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं, फिर सीधा निकलेंगे टूवर्ड्स जयपुर। अभी थोड़ा मिलन कर लेते हैं। सो पहुंच गए हैं मानेसर टोल, आगे चल रहा है सैम सिटिया, पीछे मैं चल रहा हूँ। और गाइस जस्ट फॉर अ क्विक इन्फॉर्मेशन, ये मैंने ली थी BBG बाइकिंग ब्रदरहुड गैस की जैकेट, पहली बार लाइनर लगाए। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि दिल्ली NCR में किस हिसाब से ठंड रहती है, और अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टिल यू नो इट्स कोल्ड इनफ। और अभी मैंने इसका लाइनर लगाया हुआ है अंदर, और जो मैंने अंदर टी शर्ट पहनी है दैट्स लाइक वन बहुत पतली कॉटन की एक टी शर्ट है, बट ये जो लाइनर है क्या बढ़िया कमाल कर रहा है, मज़ा आ गया है। एंड यू नो 1% की ठंड नहीं है जो मेरे को अंदर लग रही है, आई डेफिनेटली फील द चिल, मेरे लेग्स के ऊपर थोड़ा ठंडक आ रहा है, बट वॉट अ मार्वलस परफॉर्मेंस बाय दिस ब्यूटिफुल जैकेट, बहुत बढ़िया है। तो सीन ये है कि अभी ये बस टोल क्रॉस करा है, आगे कहीं रुकते हैं एंड पेट्रोल भरवाते हैं सबसे पहले। मेरे पास है काफ़ी पेट्रोल है, बट यू नो देन आगे चल के यही है कि हरियाणा में भरवा लो सस्ता है, राजस्थान जाएंगे तो फिर महंगा हो जाएगा। रुके हैं पेट्रोल भरवाने, जो हरियाणा में प्राइस है पेट्रोल का दैट इज़ 95.64, अभी तक का सबसे सस्ता पेट्रोल जो मैं भरवा रहा हूँ। हाँ पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ अपने पेट्रोल के हैं। फुल कर दो ऐसे तो टैंकी फुल थी, बट अभी भी फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस सो फार सो गुड, और चाना हो गया है मेरे पीछे सैम सेठिया, हम लोगों ने कवर कर लिया लगभग 80 किलोमीटर्स, यहाँ से जयपुर इज स्टिल 130। और बाइक की परफॉर्मेंस जो है दोनों बाइकों की आई वुड से फॉर दैट मैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं अभी देखो 80 पे चल रहा हूँ, 100 तक इतनी प्यारी खिंच रही है, 100 के बाद थंडरबर्ड में शुरू हो जाती है वाइब्रेशंस, बट उतना हमें उतना जाने ही नहीं है, वी वांट टू कीप इट सेफ, जितना सेफ हो सके उतनी सेफली चलेंगे। और मेरे लेफ्ट साइड से अब शुरू हो गए हैं अरावली हिल्स, तो जैसी जैसी पास आते रहते हैं राजस्थान के, जैसे ये छोटे छोटे पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कोटपुतली 29,
जयपुर इज 137, नॉट बैड, अच्छी खींच ली है। जैकेट में हवा तो घुसेगी ही क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा ठंड ठंड होगी। यकीन मानो ना बनाओ मानो, हाईवे पे चलते हुए कुक्कड़ बन गया दोनों का। बना ही नहीं बना, मेरा वो तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है दूसरा तीसरा। ग्लव्स पहने हुए, ग्लव्स में इतनी ठंडी हवा अंदर, मेरे को लग रहा था इसका लाइनर बहुत अच्छा है। मैं बोल के चला था बट भाई तोते उड़ गए। मैंने बता दिया तोते कैसे उड़ते हैं। तोते उड़ गए, अभी पहुंचे कोटपुतली, अपडेट ये है। और चाय चाय 98 किलोमीटर कितना 98 इज जयपुर, कोटपुतली पहुंचे हैं। चाय पीने के लिए रुके हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमें कुछ ना खाकर निकले ना पीकर निकले थे घर से। ये हमारी बाइक्स है, ये लास्ट टाइम आपको याद होगा SMK का हेलमेट लिया था, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। ये मेरी बाइक, आई लाइक टू कीप इट डर्टी, इस वजह से मैंने नहीं धुलवाई है, बहुत रग लुक दे रही है देखो। ये है सैम सेठिया की बाइक, इसने नया स्टिकर लगवाया है पूरे उसमें एडवेंचर का, बहुत ही शानदार लग रहा है। सिर्फ 40 किलोमीटर अभी दूर है जयपुर से, वी जस्ट क्रॉस्ड जो एक राइट साइड में हॉस्पिटल आता है NIMS। सो फार सो गुड, बाइक की दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। बीच में सिर्फ 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था जिसमें वी जस्ट हैड अ कप ऑफ टी और उसके बाद अब दोबारा चल रहे हैं। एंड जयपुर इज जस्ट 39 किलोमीटर्स और अमिटी यूनिवर्सिटी इज 1। यहाँ राइट साइड में अमिटी यूनिवर्सिटी पड़ती है मेरे ख्याल से, क्या दो बार आया था मैं किसी चीज़ के लिए। एंड फाइनली द पिंक सिटी वेलकम्स अस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 4 घंटे हमारे वसूल हुए हैं फॉर दिस ब्यूटिफुल सिटी। और यहाँ देख रहे आप जो ये छोटी छोटी ऊपर खिड़कियाँ बनी हैं, यहाँ बेसिकली जो यहाँ के राजाओं की जो क्वीन होती थी, जो रानी होती थी, वो यहाँ से देखती थी जब पूरी कोई प्रभात फेरी या कोई लोग आते थे जो एंट्री मारते थे, उनको देखा करती थी और ऊपर से अपने राजाओं के लिए फूल फेंकती थी। एंड हेयर वी आर, यहाँ पे आगे पार्किंग देखते हैं, हमने जाना है लेफ्ट साइड में टाटू कैफे और सामने है हवा महल। फाइनली गोल्डन ट्रायंगल का पहला जो डेस्टिनेशन है कवर हो रहा है। तो भाई पहुंच गए हैं हम द पिंक सिटी जयपुर, द रॉयल सिटी जयपुर। और ये है सैम सेठिया, ये है अंकित, अंकित आया है पिलियन राइडर बनके सैम सेठिया के पीछे और यहाँ हम पहुंच गए हैं। और जयपुर आओ और मैं अपनी जान मेरी ज़िंदगी से ना मिलूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इनका भी एक शॉट ले लेता हूँ, ये मेरा भाई है। सो इनको मैंने फ़ोन किया था, मैं क्या आप 10 मिनट के लाओ बट मिलने ज़रूर आना यहाँ पे। आए हैं, हवा महल तो दिखाओ कहाँ पे खड़े हैं, होएगा तो तब ना तो जब हवा महल दिखाओगे। तो यहाँ पे बस कचौड़ियाँ लेकर आए थे, यहीं खड़े खड़े कचौड़ियाँ खाई हैं, अभी जाएंगे चाय पियेंगे, हाफ एन आवर रेस्ट करेंगे बैठ के और उसके बाद सीधा निकलेंगे टूवर्ड जागरा। यार सारे सोते रहते थे, मैं 7 बजे उठ के रेडी हो गया, चलो उठो उठो। और बाद में मेरे को आराम आराम से चलते थे फिर जहाँ हमें एक दिन में जोशीमठ पहुँचना चाहिए। लग कैसे रहे थे आगे वो बता दे पहले। भाई मैं आया बड़े सालों बाद, स्कूल ट्रिप पे आया था, जब स्कूल में लेके जाते थे ना ट्रिप पे, अभी गोल्डन ट्रायंगल कर रहा है, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है भाई, गोल्डन ट्रायंगल है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। बंदे तो सिटी में आते ही नहीं है, बाईपास से मुड़ जाते हैं। मेरे भाई के भी रिव्यूज ले लेते हैं क्या? आप भी कुछ बोल दो क्या मेरे को, जयपुर आके कैसा लग रहा है? आपको हमें देख के कैसा लग रहा है? भाई पूछ मत। और आए थे शंकर समोसा के पास, बहुत ही शानदार समोसे और कचौड़ियाँ बनाता है।
यहाँ बस अभी सामान लगाया थोड़ा बहुत, अब भाई को कर रहे हैं बाय और यहाँ से सीधा निकलेंगे, सीधा और जाएंगे टूवर्ड्स आगरा हाईवे। चलो मेरी जान, मिलते हैं। अब हम आ गए हैं जयपुर के आउटस्कर्ट्स में और हम लोग ले रहे हैं आगरा एक्सप्रेस वे, जयपुर आगरा एक्सप्रेस वे। एंड जस्ट लुक, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जस्ट लुक एट दीज बिल्डिंग्स, कितनी ज़्यादा सुंदर है और कितना ज़्यादा हमारे हिस्ट्री के बारे में और कई लोगों के बारे में डिफाइन करती है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, यू नो राजस्थान उतना ज़्यादा रॉयल है। सो भाई, राजपूतों के शहर से निकल के जा रहे हैं हम मुग़लों के शहर में आगरा। सो गाइस, जयपुर से आगरा निकलने का सफ़र हमारा हो चुका था तय। एंड जस्ट लुक, मेरे को क्या दिखा है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्ड, वेरी ओल्ड versions of Mercedes Benz, a vintage car. Just look how beautiful this looks. Oh my god, bahut classy hai yaar, bahut zyada classy. I don't know, iski value bhi bahut zyada hogi. Jo bikes hoti hai na, wo mereko zyada attract karti hai than the luxury cars or the vintage cars. I don't know, so mereko hamesha se jo inclination hai na, sirf bikes ke liye laga hai aur kisi cheez ke liye laga nahi. I am not really a fan of tourer bikes, but देन ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे हर बंदा कहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, दिस इज़ नो बैड, बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस, बट भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी एक और बाइक आएगी। सो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आज कोई चलने का अंत नहीं है। सो मथुरा इज़ 40, भरतपुर 65 एंड आगरा इज़ फाइनली 119 टू गो। तो गाइस, ये है यूपी शहर एंड क्या कहने, यूपी के यार बवाल मचा हुआ है जब से आए हैं, चले जा रहे हैं एंड कहीं से भी लोग आते हैं यार, सीधा चल रहे हो, लेफ्ट साइड से निकलेंगे, राइट साइड से निकलेंगे, प्लीज़ जा रहे हो, सेफ्टी अपनी देखकर चलना अपने आप। एंटर्ड आगरा एंड लुक व्हाट आई सी, सेंट जॉर्जेस कॉलेज एस्टैब्लिश इन 1875, वेरी नाइस। पता नहीं अब कौन सा वाला सेंट जॉर्जेस ओरिजिनल है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ या ये वाला। जितना सोचो ना, व्लॉगिंग ईजी है, व्लॉगिंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी। कितना सोचना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, फिर आप आते हो कुछ चंद लाइनों के साथ जो आपको एडिट करके वहाँ पर लगानी होती है। बट देन यू नो दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब एंड पार्ट ऑफ पैशन एंड प्रोफेशन आई वुड से। इतना मुश्किल भी नहीं है बट उतना आसान भी नहीं है। अरे 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 मेरे भाई, सामने ड्रॉप कर रहा हूँ। तो भाई आगरा आ चुके हैं और हम ही भैया मिले हैं अमान जी। तो इन लोगों का चार्ज होता है मतलब 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये आपका पर व्हीकल, और आपका व्हीकल खड़ा करवाते हैं, सामान रखते हैं भैया, पैसा खुले लेकर, और टिकट्स आपकी अलग होती हैं। और अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो अब सीन ये है कि ताजमहल के एक गेट बंद हो चुका है, जो दूसरा है वो बंद होने वाला है। तो वी जस्ट रशिंग, होपिंग की एंट्री हो जाए हमारी। मैं आज के बाद यूपी नहीं आ रहा हूँ, डेफिनेटली नॉट। 50 रुपए वाली, बार बार से देखना, शूट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। एंड गुड एक्सपीरियंस, बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ, बहुत छोटा था तब आया था। कितने का? बहुत लेट हो चुके हैं, ये खड़ा कर देगा लाइन। सो भाई भाग भाग के आए हैं इधर एंड एंट्री की लाइन बहुत लंबी है, बट आई एम होपिंग कि हमें एंट्री मिल जाएगी। सो लेट्स सी, GoPro में बैटरी भी बहुत कम रह गई है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ये सीनियर सिटीजन है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ना हो, 1% हो जाता है, वेल एंड गुड, टिकट्स ले लिया, सो देखते हैं। ये तो आपको
जाएगा नहीं ये नहीं जाएगा। अच्छा ऑफ कर देते हैं मैम। नहीं फिर भी नहीं जाएगा, ये सब वाले रख लेंगे, रख लेंगे ऑटो तो दे देंगे ना। हाँ वो दे देंगे। सो भाई थिंग्स मे गेट वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, कभी कभार चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। भाग कर आए हैं, एंट्री लिए किसी तरह, और फिर उन्होंने बताया कि ट्राईपॉड अंदर नहीं जाता है, सो ट्राईपॉड बाहर रखना था। और फिर सेठिया और उसका जो फ्रेंड है अंकित, ये लोग अंदर वेट करते रहे, फिर आई हैड टू गो अगेन, बाहर जाना पड़ गया था, ट्राईपॉड सबमिट कराया, फिर अंदर आया हूँ। बट फॉर्चुनेटली हमें एंट्री मिल गई है, एंड जस्ट लुक एट दिस यू गाइस। ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, देयर लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड, और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। दिस इज़ आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी वियर्ड कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। बट देन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर से हम लोग वील जस्ट हैव अ लुक, फ़ोटोज़ लेंगे, चिल करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर, कैमरा स्विच ऑफ करेंगे, और मैं अपने फ़ोन से भी फोटोग्राफ्स लेता हूँ फॉर माई इंस्टाग्राम। Do follow me on Instagram, Travel with Mr. Singh, and just have a look at it once again. Realize that you were the missing piece. It didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking to your... One of the seven wonders in the world, and हमारा लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द गोल्डन ट्राइंगल, एंड इसके बाद वील जस्ट हेड बैक टूवर्ड्स दिल्ली। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो फार एक्सपीरियंस हैज़ बीन जस्ट मार्वलस। सुबह से राइड कर रहे हैं, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, बट देन सो ही नहीं है, बट एक वो जोश रहता है यार कि यू नो यू जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग, आपने कुछ शुरू किया है और वो आपको ख़त्म करना है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, एंड आई मीन अ लॉट ऑफ देम आर जस्ट विदाउट मास्क। आई डोंट नो कि कोविड के प्रोटोकॉल्स ये लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, बट देन आई डोंट नो, वी जस्ट लकी इनफ टू बी हियर टुडे। इसके बाद अगर थर्ड वेव आए ना आए, आई एम ग्लैड ना आए तो बहुत अच्छी बात है, एवरीबडी शुड बी सेफ। बट मैं बहुत खुश हूँ स्पेशली इस बंदे की वजह से, इसने फाइनली, मेरा सोलो आने का बिल्कुल मन नहीं था, इसको मैंने बोल दिया था यार सेठिया जाऊँगा तो तेरे साथ जाऊँगा, बट देन यू नो ही फाइनली मेड इट। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मैं अपने दो, अपने जो बाकी के बचे दो मस्किटियर्स हैं उनको डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ, बट देन सूनर और लेटर वी शुड हैव अ राइड टुगेदर। एंड फिलहाल के लिए दिस इज़ इट, एंड इसके बाद हम सीधा जाते हैं बाहर। आगरा आए हैं तो पंछी पेठा लेना भी बनता है। कुछ बोलना चाहेगा? आ जा, नहीं नहीं आ जा, बोल दे, आज बोल दे। मैं नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं बोलना, आज बोल दे। मैंने क्या बोलना है? बोल, हिम्मत है जो बंदे ने ड्राइव कर ली इतनी। अरे तेरी भी हिम्मत है मेरे भाई। नहीं बट कैसी रही? सोया नहीं, ये भी नहीं सोया, इसकी बीवी ने इसे सोने नहीं दिया, मेरे कमीने दोस्तों ने मेरे को सोने नहीं दिया, मैंने आखिरी में नेट ही बंद कर दिया। नहीं बट कैसा लग रहा है तेरे को इधर आके? मतलब इतनी इतनी जर्नी हुई है, गोल्डन ट्रायंगल अब तक सुना था और फाइनली इधर आ गए, कर भी लिया। अब पता नहीं यहाँ आते आते थकान तो हो गई थी, बट जोश उतना ही ज़्यादा था। बट अब लेट्स सी कि वापस अब दिल्ली जाते जाते कैसी हालत होती है, बट इससे पहले बाहर जाएंगे, खाएंगे, क्योंकि कुछ खाएंगे, हमने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, सिर्फ क्या खाए, समोसे और कचौड़ी खाई थी, समोसे और कचौड़ी खाई है जयपुर में, और एक शेक पिया था, दैट वाज इट। ताजमहल से निकल आए हैं बाहर, और मेरा हाथ इज एज गुड एज किसी, कोई भी सेल्फी स्टिक, बहुत लंबा है, देख है ना लंबा, पुलिस वाला हाथ है, कहीं पे भी पहुंच जाता है, कानून के हाथ है ये, कानून के हाथ है, देख चोरों के हाथ नहीं है। तो सो फार सो गुड, अंदर नहीं गए, अंदर मन भी नहीं था जाने का, है सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, और सिंस दिस इज़ अ गोल्डन ट्राइंगल, एक वी नीड टू कम्प्लीट दिस राइड विद इन 24 आवर्स, एंड आई थिंक बहुत लोगों ने की होगी, बट इतने सारे लोगों में से वी आर दी ओनली वंस जो इतना घूम रहे हैं। जयपुर में 2 घंटे स्पेंड किया है, इधर भी डेढ़ घंटा हो गया होगा, डेढ़ घंटा इधर हो गया, बाहर जाएंगे, पेठा लेंगे, थोड़े बहुत सोविनियर्स लेंगे, और फिर निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। सो भाई ताजमहल के बाहर निकल के आती है लोकल मार्केट, एंड बहुत ही सज्जन व्यक्ति मिले हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ही हेल्प कर दी इन्होंने, तो बोला था सोविनियर्स लेंगे जाते जाते, सिंस मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ, नहीं तो ऐसे दिल्ली से बाहर उठ के चक्कर लगता नहीं हो, नमाज़ पढ़े तो थोड़ा सा आराम से बोल लेता हूँ। सो
दो मैंने ताजमहल लिए हैं जो सोविनियर्स हैं मार्बल के, सो आप खुद देखो कैसे दिखते हैं। बताओ आपका नाम भी बता दो। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है, हम लोग ताजमहल बेचते हैं ताजमहल के बाहर। यहाँ पर हम लोग कोई कमीशन वगैरह नहीं देते हैं, कमीशन फ्री शॉप होता है, ये होलसेल प्राइस के हिसाब से हम लोग सेल करते हैं। और एक क्राफ्टमैनशिप सारी आपकी है? जी हाँ, ये हमारे ग्रैंडफादर की है। ओके, ये 40 साल पुरानी शॉप है। ओके हाँ। सो भाई लोग निकल चुके थे ताजमहल से बाहर, बाहर आए तो घर वालों के ले लिया ढेर सारा पेठा, और पेठा यहाँ की स्पेशलिटी है। अगर कोई आज तक आगरा नहीं आया है, यू मस्ट ट्राई आगरा का पेठा। बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, पंछी पेठा की एक कैटेगरी है, दैट इज़ दी बेस्ट। और ले लिए थे दो तीन सोविनियर्स देने के लिए फ्रेंड्स वगैरह को। सो अभी ऐसा है कि निकल चुके हैं, ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए रहेगा नहीं। बाकी का जो वीडियो है मैं ख़त्म करूँगा घर जाके, और अभी फ़िलहाल कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। और अब चूहे के माँ बाप सब दौड़ने लग गए हैं पेट के अंदर। एंड मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि आगरा अंडर डेवलप्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। बट आई वुड से इट इज़ डेवलपिंग, बट लोगों में एक जो रोड सेंस होती है या बेसिक सिविक सेंस होती है वो बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट मेजॉरिटी आपको ऐसी मिलेंगे। और क्योंकि कहीं से भी अब ये हाईवे पे आ गए, नहीं तो आप सिटी रोड्स पे जाओ, कहीं जाओ, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। बट देन दैट्स अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी, ये सब कुछ चलता रहता है, और उसके बिना तो हमारी सारी की सारी जर्नी है इनकम्प्लीट। आगे एज यूजुअल चल रहा है सैम सेठिया, क्योंकि उसने मैप लगाया हुआ है, मैंने नहीं, फ़ोन में इतनी बैटरी नहीं है। सो अभी रुकते हैं, कुछ खाते हैं, और बची वीडियो ख़त्म करते हैं घर जाके। तो भाई माना कि जो लास्ट वीडियो है वो आई थी बहुत ज़्यादा लेट, 10,000 करोड़ साल के बाद वीडियो हो रही है कंटिन्यू। एक मिनट, मैं राइट टर्न ले रहा हूँ और पीछे से आ रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। मैं भी हूँ कुतुब मीनार के पास, आया क्यों था, बिकॉज़ मेरी मॉम को कुछ काम था, शी वॉन्टेड टू मीट अ कपल ऑफ डिज़ाइनर्स फॉर हर वर्क। सो यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस गुड़गांव, बीच में रुकूँगा एडिडास के शोरूम। तो जो माना वाला वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेट आया था, फिर उसके बाद आई रियली वॉन्टेड टू डू ये गोल्डन ट्रायंगल जो आप लोगों ने वीडियो देखी, मैं एक गोल्डन ट्रायंगल करना चाहता था, बट देन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। जो पूरा टाइम हमें लगा वो था 21 hours and 30 minutes, 21 घंटे और 30 मिनट। हम लोगों ने 3 स्टेट कवर किए, दिल्ली, दिल्ली से गए जयपुर, जयपुर से गए आगरा, एंड देन आगरा से बैक टू द पवेलियन दैट इज़ दिल्ली। और इसमें चीज़ ये हुई है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बट दिस वॉजेंट अ नॉर्मल राइड फॉर अस, बहुत ज़्यादा हसल थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, टायर्डसम हो गया था। और दिस वॉज ऑल्सो नॉट लाइक अदर राइडर्स, बिकॉज काफ़ी सारे राइडर्स जो जाते हैं, जो गोल्डन ट्रायंगल कम्प्लीट करते हैं, ये करते हैं सिर्फ बाईपास एरिया जाके, वो बस कवर करेंगे एंड देन दिल कम बैक। बट हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम लोगों ने अंदर सिटीज तक गए। मैंने आपको हवा महल भी दिखाया, हम दिल्ली से गए, दिल्ली में कुछ ऐसा खास था नहीं दिखाने के लिए, हम यहाँ से गए जयपुर, जयपुर में हमने दिखाया हवा महल, हवा महल के बाद हम लोग गए आगरा। सो हम लोग जब जयपुर गए, वी स्टेड इन जयपुर फॉर लाइक एन आवर एंड अ हाफ और 2 hours, 2 घंटे हम लोगों ने वहाँ स्पेंड किए, खाया पिया, और फिर उसके बाद आगरा के लिए निकले। आगरा में हम लोग गए ताजमहल, फिर वहाँ से थोड़े से सोविनियर्स लेके घर वालों के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए, वाइफ्स के लिए, सब कुछ ले के हम पहुँचे वापस दिल्ली। मैं रात को 1:30 बजे पहुंचा था, बट जो थकान थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बता नहीं सकता। मेरी राइड के टाइम में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, बट वापस आते आते ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इट गॉट नियरली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू विद माई राइड। बट ठीक है, यू नो ढेर सारी चीज़ें होती हैं, और अनलेस एंड अनटिल ऐसे थोड़े थोड़े सेटबैक्स आए तो पता नहीं चलता कि आगे की जर्नी कैसे कंटिन्यू करनी है। सो या दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट इट। अब इसके साथ साथ ट्रैवलिंग के साथ मेरे आते रहेंगे डेली व्लॉग्स, और आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई कंटेंट, एंड आई एम रियली सॉरी कि इतना ज़्यादा डिले हो जाता है पोस्ट करने में, बिकॉज अभी लाइफ सिचुएशन ऐसी चल रही है, मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसा हूँ, मेरा ऑफिस होता है, मेरे को डैड की हेल्प करानी पड़ती है, देन आई हैव टू लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, मम्मा का काम है, सो वही जाता है कर करा के।
और फिर जो मेरा काम रह जाता है वो है ये वाला, बट आई नो दिस इज़ समथिंग जो मेरे को ऑन गोइंग रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइज, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत लोगों का अप्रिसिएशन आता है थ्रू माय यूट्यूब, थ्रू माय व्हाट्सएप, माय फेसबुक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज हैव बीन गिवन, एंड ऐसे ही बनाते प्यार बना के रखिएगा, सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फैंस, एंड डोंट लेट समबडी एल्सेस थिंकिंग हैम्पर योर करियर और योर प्रोफेशन। 100 लोग मिलेंगे, 100 के 100 बोलेंगे तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ आई कैन यू कैन एज वेल। सब कुछ इधर से आता है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़िया सी जर्नी रखो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय।